अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तो वही लड़का है जो एकांश को मारने आया था उसने। हाँ, ये काजल का सगा भाई है। मुझे माँ को समझाना होगा कि मैंने ऊजा की बेटी की जगह काजल से शादी क्यों की। तुम इसे कैसे जानते हो और ये एकांश को क्यों मारना चाहता है? क्योंकि मैंने इसे सुपारी दी थी एकांश को मारने के लिए। क्योंकि तुम्ही को तो एकांश से छुटकारा चाहिए था ना। बेवकूफ आदमी, मैं क्यों चाहूंगी एकांश को कुछ हो? अगर एकांश को कुछ हो गया तो दुनिया तो मुझ पर ही उंगली उठाएगी ना कि सौतेली माँ ने अपने बेटे को मरवा दिया। मुझे तो लगा था तुम चाहती हो एकांश। नहीं, गलत लगा तुम्हें। मैं एकांश को पकड़ना चाहती हूँ ताकि वो हमारे काबू में रहे। मेरा इरादा उसे मारने का कभी नहीं था। जितना कहा जाए उतना ही करना। आइंदा से अगर अपना दिमाग चलाया तो इस घर की सारी गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगी, समझे? क्या हुआ माँ, आप दोनों इतने टेंशन में क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तेरे मामा से कुछ गलती हो गई थी, उसे सुधार रही थी। तू बता बेटा, कुछ काम था? मामा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोल। मुझे पता है कि अहूजा का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है और आप मेरी उसकी बेटी से शादी भी करवाना चाहते थे, लेकिन अब आपके बेटा वापस आ चुका है, आपका एकांश वापस आ चुका है। अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा, उसका सारा कर्जा निपटा दूंगा, लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी होगी। आपको काजल को मेरी पत्नी मानना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप प्लीज काजल के खिलाफ मत जाइएगा, वही मुझे पैनिक अटैक आने से रोक सकती है। मैं समझती हूँ, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है तुझे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। जा, तू जाके आराम कर। ये कौन है? काजल का बाप राजेश शर्मा। क्यों? राजेश शर्मा, नाम भी सुना सुना है, शक्ल भी देखी सी लग रही। राजेश शर्मा, राजेश शर्मा। राजेश, ये तो वही आदमी है जो वो लाल डायरी लेकर भागा था इतने साल पहले। कब से ढूंढ रही हूँ मैं इस आदमी को, हो ना हो लाल डायरी आज भी इसी के पास होगी।
आलोक, काजल की फैमिली पर अब रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये आदमी चाहिए किसी भी कीमत पर। राजेश शर्मा। कौन है तू और मुझे मारने के लिए किसने भेजा है तुझे? काजल, मुझे वो लाल डेरी चाहिए। चल क्या रहा है वहां? माँ, माँ फोन नहीं उठा रही है, पापा का फोन बंद आ रहा है। आई होप वो कोई मुसीबत में ना हो। बस लाल डेरी नहीं दिया ना तो गोली तेरे भेजे के पार कर दूंगा। मेरे बेटे को देना। ए, तू चुप कर। मैं ला के देती हूँ तुमको। लेकर आ फिर छोड़ूंगा। जा। खड़ा रहे आराम से। ये रही आपकी लाल डायरी। चलो मेरे बेटे को। तू ठीक है ना बेटा? हाँ, इतना खून निकल रहा है। क्या हे भगवान, अब आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाइए मिस्टर अग्निवंशी से मिलने का। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा, उन्हें हर मुसीबत से बचाइएगा, खासकर मेरे भैया, उन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। माँ, माँ कहाँ थी आप? मैंने आपको कितने फोन किए, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? और पापा, अरे उनका तो फोन ही बंद आ रहा है। और भाई, भाई 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 ठीक है ना? बताइए मम। आप बेटा, यहाँ सब ठीक है? तुम तो वहां ठीक हो ना? अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुमने हमें बिना बताए इस तरह से शादी क्यों कर ली? माँ, वो मैं आपको घर आकर बताऊंगी, सब बताऊंगी। बस आप लोग वहां अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, कोई भी मुसीबत हो ना, प्लीज
सबसे पहले मुझे बताइएगा, मैं रखती हूँ। वो मैं दस बज गए हैं और तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं पहुंचे। तुम्हारे पापा मुझे एक लाल डायरी अलमारी में संभाल कर रखने के लिए दे कर गए थे और मुझसे वो लाल डायरी भी नहीं संभाली गई। माँ, कोई बात नहीं। हाँ, तुम काजल को इन चीजों के लिए परेशान मत करो। मैं हूं ना, मैं ढूंढ कर लाऊंगा पापा को। सॉरी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। वो मैं दरअसल मंदिर में आई थी। रोज शाम को मैं दिया जलाती हूँ मंदिर में, तो बस वही करने आई थी। और अगर मैं ऐसा ना करूँ ना, तो मुझे तसल्ली नहीं मिलती। वैसे आज मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। बहुत हिम्मत का काम किया तुमने आज। ये तो मेरा पत्नी धर्म है ना। सर सर सर, वो पंडित की फोटो मिल गई है। मजा क्या ये? मैंने तुमसे उसका चेहरे का फुटेज लाने के लिए बोला था, उसके पीठ का नहीं। क्या करूं मैं इसका? उसका शरीर का फुटेज लेके आया तुम। जाओ यहां से। मैं जानकर रहूंगा कि वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है। जमीन आसमान क्यों ना एक करना पड़े मुझे, लेकिन मैं एकांश अग्निवंशी तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक मैं उस इंसान का पता नहीं लगा लेता। काजल, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में चल के आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो। कल मैं मुंह दिखाई, मैं सबके सामने मिस्टर अग्निवंशी को अपना चेहरा दिखाऊंगी, क्यों उन्हें यकीन हो सके कि उनकी मैं एक जिंदा। मुझे पक्का पता है कि उसके बाद उन्हें पार्टी की रात के 6 घंटे भी याद आ जाएंगे और मुझे भी अपना जवाब मिल जाएगा कि किसने मेरे अजन्मे बच्चे को मारा। देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।